नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोहे के ये छर्रे यानी कि बॉल्स जो दिखाई पड़ रही हैं इनको गर्म करने वाले हैं। गर्म करने के बाद हम बर्फ पर रखेंगे, फिर देखते हैं बर्फ के साथ इसका रिएक्शन क्या होता है। इनको हम बिल्कुल लाल कर देंगे, और लाल किस तरीके से करेंगे यानी कि हमारे पास एक है गैस टॉर्च, तो गैस टॉर्च की सहायता से इनको गर्म करेंगे। कितना समय लगेगा वो भी हम बताएंगे, एक छर्रे को कितना समय लगता है गर्म करने में, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम एक छोटा सा आयरन बॉल लिया है, यानी कि ये छर्रे काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, लेकिन इसे एक और बड़े साइज़ का हमने लिया। पहले नंबर पर हम छोटे साइज़ का गर्म कर रहे हैं, इसके बाद हम इससे बड़ा वाला छर्रा लेंगे। इन दोनों को गर्म करने के बाद हम बर्फ़ पर डालेंगे, फिर देखते हैं बर्फ़ के साथ रिएक्शन क्या रहता है, कितनी फास्ट वो गला पाता है। जो भी रिजल्ट रहेगा वो आप उनको देखने को मिलेगा। छोटा वाला जो छर्रा था लोहे का, इसको गर्म करने में हमें 1.5 मिनट लगा था गैस टॉर्च की सहायता से। अब बिल्कुल वो रेड हो गया था एकदम, ठीक है। ये हमने दूसरे नंबर का लिया है बड़े साइज़ का। पहला वाला हमने छोटा वाला था उसको हीट किया था, अब ये बिग साइज़ का है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। आपने शुरुआत में देखा होगा हमारी हथेली में इसका साइज़ क्या लग रहा था। उसके बाद ये गर्म हुआ था, 2 मिनट से ज़्यादा इसमें समय लगा था, 2 मिनट लगभग 20 सेकेंड के आसपास में ये एकदम रेड कलर का हो गया था, देख सकते हैं एकदम, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि 100 यानी 1000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो गया हो। बर्फ के साथ रिएक्शन इसका देखिए, देख सकते हैं गर्म था तो इतनी फास्ट, अब मात्र लगे होंगे 12 से 13 सेकंड ही, उतनी देर में ही पूरी बर्फ को गला देता है पूरी बर्फ को। दोस्तों देख सकते हैं बर्फ़ में आर पार होल हो चुके हैं। तो आप लोगों ने देखा कि गर्म कोई भी चीज़ बर्फ़ पर डालते हैं तो बर्फ़ को बहुत ही सेकंडों में जो है गला देती है, ठीक है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो कि गैस टॉर्च के साथ करना था, और यहाँ पर बर्फ़ का हमने उपयोग किया था। बर्फ़ में देख सकते हैं होल ही होल हो गए। ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।